और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं टेक्ज़ोन रिव्यू। आज मैं आपके लिए कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं लाया हूँ, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक स्मार्टफोन के बारे जो कि काफ़ी दिनों से मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये ब्रांड भी नया है लेकिन इसके जो स्पेक्स है वो बहुत सारे यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिना किसी समय के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको नीचे स्क्रीन में एक लाल सा बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ उसे दबा दें और उसी के पास बेल आइकन है उसे भी दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो फ़ोन के बारे में आपको बताने वाला वो है IQ 7। दोस्तों काफ़ी दिनों से IQ के मोबाइल्स मार्केट में बहुत डिमांड पर चल रहे, तो उसी को देखते हुए आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये एक टोटल डिस्कशन वीडियो रहने वाला है उन भाइयों के लिए जिनका बजट 30,000 है और जो IQ को परचेस करना चाहते हैं। तो अगर आप IQ परचेस करना चाहते हो और उसके बारे पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। और IQ के जिस मॉडल के बारे में आपको आज डिटेल देने वाला हूँ वो रहने वाला है IQ 7। तो बिना किसी समय के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके की स्पेक्स के बारे में। जिसका की स्पेक्स निकल के आ रहा है उसमें सबसे हाईलाइट पॉइंट किया गया उसके रैम को। तो इसमें जो आपको रैम मिलने वाला है वो 8GB का रहने वाला है और प्रोसेसर जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का रहेगा। रियर कैमरा जो रहने वाला है वो ट्रिपल सेटअप के साथ आने वाला है जो 48+13+2, और जो फ्रंट का रहने वाला है वो 16MP रहेगा। और बैटरी की बात करें तो बैटरी में इसमें आपको 4400mAh की बैटरी मिलने वाली है और उसी के साथ डिस्प्ले साइज जो रहने वाला वो 6.62 इंचेस का होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा की स्पेक्स। अब हम इसके फुल डिटेल के बारे में आपसे बात करें कि इसमें और क्या क्या आपको अंदर देखने को मिलने वाला है और क्या वाकई में इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब जो हम सबसे पहले बात करने वाले इसके परफॉर्मेंस को लेकर, इसमें अगर हम सबसे पहले इसके शुरुआत करें चिपसेट से, तो दोस्तों इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का यूज़ किया। इसमें जो CPU रहने वाला है वो ऑक्टाकोर 3.2 GHz का रहने वाला है। अगर हम इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो इसमें 64-bit 7nm बेस का ये चिपसेट रहने वाला है। इसमें जो ग्राफिक्स यूज़ किया गया वो एड्रिनो 650 का है और साथ ही में इसमें जो रैम यूज किया वो है LPDDR5। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि रहने वाला 6.62 इंचेस का। और इसमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1080x2400 pixel का और इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो रहने वाला है 20:9। और उसी के साथ अगर हम इसके पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसमें पिक्सल डेंसिटी दिया गया है 398 PPI। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो रहने वाला है 84.92%, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो बेजललेस रहने वाला है और साथ ही में इसका जो डिस्प्ले है वो पंच होल के साथ आ रहा है। और अगर हम इसके ब्राइटनेस की बात करें तो ये 1300 nits तक जाता है और साथ ही में इसका रिफ्रेश रेट जो है वो 120Hz तक रहने वाला है। अब बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ। इसमें आपको ट्रिपल सेटअप का कैमरा देखने मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48MP रहने वाला है और इसी के साथ जो बाकी दो जो कैमरा रहने वाले हैं वो है 13MP और 2MP। 13MP रहने वाला आपका अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और 2MP रहने वाला है मोनो कैमरा के लिए। इसमें आपको ऑटो फोकस और OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अगर हम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करके देने वाला है 30fps में। अब बात करते हैं इसका सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरे के बारे में। तो इसमें जो आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है वो 16MP रहेगा और हम फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट मिलने वाला है विद 30fps। अब बढ़ते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। इसमें जो आपको स्टोरेज मिलने वाला है वो 8GB 128GB का स्टोरेज रहने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप इसमें मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर सकते। और इसी के साथ इसमें आपको USB OTG का भी सपोर्ट मिलता है। और अगर हम इसके स्टोरेज टाइप की बात करें तो ये UFS 3.1 को सपोर्ट करता है। दोस्तों बात करते हैं मोबाइल के मेन काम के बारे में। जो मेन आता है वो है कनेक्टिविटी और नेटवर्क। आपको जिसमें नेटवर्क मिलने वाला है वो 2G 3G 4G तो मिलने ही वाला है, उसी के साथ इसमें आपको 5G का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इसमें आपको सिम के लिए दो स्लॉट मिलते हैं और दोनों नैनो सिम को सपोर्ट करते हैं। साथ ही में आपको दोनों स्लॉट में ही वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलेगा और दोनों में ही आपको 5G का भी सपोर्ट मिलने वाला है। अगर हम इसके सार वैल्यू की बात करें तो इसका हेड में रहने वाला है 0.97 और बॉडी में रहने वाला है 0.76। उसी के साथ इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें आपको 5.1 का सपोर्ट मिलने वाला है और दोस्तों इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया फंक्शन को लेकर।
आपको इसमें FM का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इसमें आपको एक Type-C का कनेक्टर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने 3.5 mm जैक के ईयरफोन को उससे कनेक्ट करके ऑडियो सुन पाओ। दोस्तों अब अगर हम इसका सेंसर की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, साथ ही में आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है ये आपको ऑन डिस्प्ले मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं मोबाइल का सबसे मेन पार्ट की, जो है बैटरी। अगर दोस्तों बैटरी आपका नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, जितना भी ये फीचर्स डाल दो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला। तो जो कंपनी इसमें बैटरी दिया है वो है 4400 mAh का बैटरी। देखा जाए तो बैटरी बहुत कम है, लेकिन कंपनी आपको बैटरी कम दी है लेकिन चार्ज करने के लिए चार्जर बहुत बड़ा वाला दिया है, जो कि रहने वाला 65 W का, जो आपको बहुत ही क्विक समय में 0 to 50% करके दे देगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। और अगर हम इसके चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो इसमें भी आपको टाइप सी का ही सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके डिजाइन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके वेट की। इसका जो वेट रहने वाला है वो 196 ग्राम रहने वाला, जो कि देखा जाए थोड़ा हेवी है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, तो हाइट में आपको 163.3 mm का हाइट देखने को मिलने वाला है। विड्थ की बात करें तो 76.3 mm का रहने वाला है, और इसका जो थिकनेस है वो 8.5 mm है, मतलब कि आपको ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिम मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, एक है सॉलिड आइस ब्लू, दूसरा है स्ट्रॉम ब्लैक, और तीसरा है मॉन्स्टर ऑरेंज। मुझे तो पर्सनली सॉलिड आइस ब्लू पसंद है, अब आपको कौन सा पसंद है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं इसके प्राइस की तरफ। इसका जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 31,990, और अगर अभी आप उसे परचेस करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक के थ्रू जाकर आराम से परचेस कर सकते हो, और उसी तरह आप आसानी से इस पे और एक्स्ट्रा 2000 का कूपन अप्लाई करके इस 32,000 के मोबाइल को 30,000 में भी परचेस कर सकते हो। तो आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करना ना भूलें। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा जेन्युइन ओपिनियन इस फ़ोन के बारे, और आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप क्या इस फ़ोन के साथ जाना चाहते हो इस स्पेक्स के साथ तो वो भी मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरी मानो तो इस प्राइस रेंज में ये स्पेक्स मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। ये फ़ोन आपको एटलीस्ट 28 या 27 तक मिल जाना चाहिए था, पर पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्यों प्राइस को रखा है। खैर अगर आपको आज का वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और मिलते हैं अपने अगले एक और नए वीडियो के साथ। और बहुत ही जल्द मैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग भी लेकर आने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।